इस वीडियो में मैं बात करूंगा लंग्स डिटॉक्सिफिकेशन पे अभी ये टॉक्सिफिकेशन पोल्यूशन की वजह से हो या सिगरेट्स में मौजूद केमिकल्स की वजह से क्योंकि सिगरेट के धुएं में 7000 केमिकल्स होते हैं इनमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी मौजूद होते हैं जैसा कि अमोनिया फॉर्मेलडीहाइड हाइड्रोजन साइनाइड कैडमियम जो कि एक हैवी मेटल है स्मोकिंग की आमतौर पे दो किस्मों के बारे में बात की जाती है फर्स्ट हैंड स्मोकिंग सिगरेट पीने वाला और सेकेंड हैंड स्मोकिंग का शिकार वो लोग जो पीने वाले के करीब मौजूद होते हैं तीसरी है थर्ड हैंड स्मोकिंग क्योंकि जो धुआं हवा में जाता है उसमें मौजूद केमिकल्स आपके कपड़ों पे इर्द गिर्द मौजूद फर्नीचर पे घर में मौजूद पर्दों पे सोफे या बेड पे आते हैं धुएं में ही नहीं उड़ जाते और आप रेगुलरली एक्सपोज रहे होते हैं इन केमिकल्स से स्मोकिंग की वजह से हम कैंसर के खतरे को तो वैसे ही नजरअंदाज नहीं कर सकते लेकिन कैंसर के साथ साथ एक और बड़ी बीमारी है सीओपीडी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज इसमें लंग इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं एयरवेज हो जाते हैं सांस लेने में मुश्किल होती है जिसकी वजह से खांसी आती है वीओ मैक्स लो हो जाता है लंग्स की ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी और एयर सर्क्यूलेटिंग कैपेसिटी कम हो जाती है यहाँ सिर्फ स्मोकिंग ही मसला नहीं है एयर पोल्यूशन फिर उसके बाद बैड क्लीनिंग केमिकल डिटर्जेंट्स डिस इनफेक्टेंट फेब्रिक ब्लीच और इनमें मौजूद केमिकल्स या घर में कहीं फंगस है मोल्ड लगी है क्योंकि लंग कैंसर सिर्फ स्मोकिंग से ही नहीं होता ये बॉडी के दूसरे ऑर्गन से भी स्प्रेड हो सकता है और अगर लंग्स में इन्फ्लेमेशन मौजूद है तो कोई भी इसका शिकार हो सकता है कैंसर हमेशा उन ऑर्गन को अपना टारगेट बनाता है जहाँ इन्फ्लेमेशन पहले से मौजूद होती है तो जब हम डिटॉक्सीफिकेशन की बात करते हैं तो इससे मुराद इन्फ्लेमेशन कम करना पहले इन्फ्लेमेशन होती है फिर स्कार टिश्यू डेवेलप होता है फाइब्रोसिस होता है

में लिवर डिटॉक्सिफिकेशन का हार्ट है लिवर इन्हें डिटॉक्सिफाई करने की कोशिश करता है फेज वन फेज टू डिटॉक्सिफिकेशन एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं लिवर का वर्कलोड बढ़ जाता है और एक वक्त आता है जब लिवर ओवरलोडेड हो जाता है कीप अप नहीं कर पाता खास तौर पर अगर ये एक्सपोजर काफी अरसे से चल रहा है क्रोनिक एक्सपोजर है तो लिवर में इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है इन्फ्लेमेशन लिवर पे फैट आने की वजह बनती है फैटी लिवर फिर उसके बाद ये सारे केमिकल्स और टॉक्सिन्स अब आर्टरीज में एंड अप हो सकते हैं और

एप्लिकेशंस को कम करना चाह रहे हैं तो मिल्क थेसल आपके लिए बेस्ट रेमेडी है ये बेस्ट एंटी इंफ्लेमेटरी है बॉडी को टॉक्सिन से बचाता है। दूसरे नंबर पे है टोकोट्रिनोल्स विटामिन ई e। ये रेगुलर विटामिन ई से 50 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर वर्जन है विटामिन ई e का इम्पोर्टेड मिलेगा थोड़ा महंगा मिलेगा टोकोट्रिनोल्स फ्री रेडिकल डैमेज से बचने में मदद करते हैं और विटामिन ई e एक पावरफुल एंटी ऑक्सीडेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी है और ये फाइब्रोसिस को रोकने में बॉडी की मदद करता है तो जिस स्टेज में इन्फ्लेमेशन से स्कार टिश्यू डेवलप हो रहा होता है वहां यह अपना काम करेगा ना सिर्फ लंग्स को बल्कि आर्टरीज को और लिवर को भी स्कार टिश्यू डेवलपमेंट से बचाएगा नंबर तीन पे वाइटामिन डी बहुत पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी है और सीओपीडी की कॉम्प्लिकेशन को कम करने में मदद करता है इवन किसी भी तरह की लंग इन्फ्लेमेशन और ऑटो इम्यून डिजीजेस क्योंकि सीओपीडी और ऑटो इम्यून डिसीजेज में एक बहुत इंटरेस्टिंग कनेक्ट है। होता कुछ यूं है कि अगर सीओपीडी है तो पॉसिबिलिटी है कि बॉडी ने खुद से लंग टिश्यूज के खिलाफ antibodies भी बना ली और ये ये एक बहुत बड़ा इशू है क्योंकि अगर आपने antibodies develop कर ली है और वो lung tissues inflammation की वजह से बन रही है, तो ये मसला सिर्फ toxins exposure तक ही नहीं रहेगा अब इसमें इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व हो जाएगा और वो करेगा लंग टिश्यूज को एज अ पैथोजन किसी वायरस या बैक्टीरिया के तौर पर लंग टिश्यूज पे, पे अटैक कर देगा जो कि डेंजरस तो ये है मेरी रिकमेंड आप अपना एक्सपीरियंस कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें अपना ख्याल रखिए आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज